फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल खोया लड्डू। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नारियल खोया लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 2 किलो दूध को अच्छे से जला लिया है और ये 200 ग्राम खोआ हो गया है। आप चाहें तो 200 ग्राम खोआ, जो सॉफ्ट खोआ होता है, वो आप ले ले और उसे हल्का सा गर्म कर ले जिससे कि वो पिघल जाए। जब ये इस तरह का हो जाएगा पतला सा, तब आप उसमें चीनी डाल दें। चीनी 100 ग्राम के करीब है। ये 200 ग्राम खोया है, 100 ग्राम चीनी इसमें हमने डाला है और 200 ग्राम जो है वो नारियल का बुरादा। बस इसे हमें सिर्फ जितनी देर इसमें चीनी पिघल जाए उतनी देर ही हमें इसे पकाना है। ये चीनी जो है अब इसमें पिघल गई है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और एक दूसरा बर्तन लेते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी लेंगे और जब घी गर्म हो जाए फिर इसमें हम ये जो नारियल हमने लिया है सूखा नारियल का बुरादा वो डाल के हल्का सा भूनेंगे। इसे 5 मिनट भूनना है। इसे पांच मिनट भूनने के बाद देखेगा कि ये नारियल जो है वो अपना कलर चेंज होने लगा है नारियल का। अब हम इसमें जो हमने खोआ और चीनी को पिघला के रखा है वो डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम 4 से 5 इलायची को अच्छे से पीस के और वो डाल देंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। अब ये नारियल का मिक्स थोड़ा सा ठंडा हो गया, हम इसको अच्छे से ऐसे गोल कर लेंगे और एक लड्डू का शेप दे देंगे, जितना आपको जितना बड़ा आपको शेप बनाना है आप वैसा बना ले। ये देखिए, और आप चाहें तो आप नारियल में कोट कर सकते हैं इसको, या ऐसे भी कर रख सकते हैं। अच्छे से पूरा जितना भी आपको जितना बड़ा भी आप बनाना चाहे लड्डू को, आप उतना बड़ा लड्डू ले ले और उसको अच्छे से हाथ में दबा दबा के ऐसे ही सारे लड्डू तैयार कर ले। ये देखिए, सारे खोया लड्डू बनके तैयार हो गए।